ग्रेटर नोएडा जोन के इकोटेक थाने से पुलिस कस्टडी से फरार हुए आरोपी राजीव उर्फ राका को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पुलिस को चकमा देकर थाने से फरार हो गया था। मामले में एक्शन लेते हुए पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने लापरवाही बरतने पर थाना प्रभारी पवन कुमार, दो दरोगा समेत तीन कांस्टेबल को निलंबित किया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें लगाई गई थी। पुलिस की मुठभेड़ के बाद आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार टीम ने राजीव उर्फ राका को दोबारा सूरजपुर में खेड़ी गांव में उसके घर से गिरफ्तार कर उसे थाने ला रही थी, तभी वो जी पार्क चौकी के पास पुलिस पार्टी की पिस्टल छीनकर हमलावर हो गया और पुलिस पर फायरिंग कर फरार होने लगा। पुलिस टीम की जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने के कारण वो घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी राका को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। ग्रेटर नोएडा से अलिन बारसी की रिपोर्ट। थाना इकोटेक 3 में एक मुकदमा अपराध संख्या 185/2016, उसमें एक मुलजिम राजीव उर्फ राका के विरुद्ध कोर्ट ने एक NBW जारी किया गया था। इस NBW नॉन बेलेबल वारंट के अंतर्गत उस मुलजिम को कल 4 जनवरी 2023 को थाने पर लाया गया था और इसमें वो कुछ समय बाद पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया है। इस पूरे प्रकरण में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है तथा जो लापरवाही पुलिसकर्मी थे उनके खिलाफ विस्तृत जांच रिपोर्ट इसमें प्रेषित करी जा रही है और अग्रिम दंडात्मक कार्रवाई इसमें करी जाएगी।